मैं तेरी आंखों में उदासी बैक टू माई चैनल अगेन। और आज तुम्हारा भाई गांव के लिए निकलेगा, तो थोड़े बहुत जो सामान है मुझे लेना है, जो कि थोड़े बहुत मैंने जो पहले ले लिया था, जैसे कि बाइक का सामान है, ये मोटर का, ये चेन और अभी मुझे लेने जाना है कंपाउंड, देखते हैं कंपाउंड मिले तो वो लेंगे, या फिर रबिंग का स्क्रैच वाला वो लेंगे, और उसके बाद छोटे मोटे ग्लव्स लेने हैं। खाने पीने का सामान बना रहे हैं, जो मैं लेकर A few moments later. गाइस अभी मैं स्टेशन पे, और दिन भर आज काफ़ी बिजी हो गया था, इसी वजह से मैं कुछ छूट नहीं कर पा रहा था, और दिन में बहुत हेडेक हो गया था, क्योंकि जो मैं रूम बुक करा था वो हो नहीं रहा था, रिटायरिंग ये क्या था ये रिटायरिंग था, ऐसे कुछ जो होता होता है मेरे लिए था, वो बुक ही नहीं हो पा रहा। मैंने डबल बेड भी ट्राई किया, सिंगल बेड भी ट्राई किया, वो है फिर और क्लास में जाकर हुआ, और उसी में दिन भर उसी में लग गया, ऊपर से एक लॉगिन नहीं हो रहा था, उसका वजह से टेंशन हो रहा था, और आते समय मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उदास सा माहौल हो गया था, मम्मी भी रोने लगी थी, बहन भी रो रही थी, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। इसलिए मैं सोचा कि सीधा स्टेशन पर पहुँचने के बाद रिकॉर्ड करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी जस्ट अभी इस रूम पर सब सामान रख के भी खाना खाने निकला हूँ, देखता हूँ, तो पहले खाना खाने चलते हैं। जस्ट खाना खाकर आया हूँ बाहर से, और अभी जा रहा हूँ रूम पे आगे सोने, क्योंकि आराम करना, कल सुबह की ट्रेन है, सुबह की 6:25 फॉरवर्ड जो मैं जिससे जाता हूँ वही है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी जो है मेरा ट्रेन का समय होने वाला है, बस 10 मिनट बाकी, और अभी रूम से चेकआउट करते नीचे जाते हैं बाहर, और अभी ट्रेन आने वाली है, बस यहाँ लाइनिंग जो है खुली है, अब देखे कब तक पहुँच जाती है, 12 बजे तक पहुँच जाते हैं राजेंद्र नगर। उतर चुका है स्टेशन के बाहर, अभी जा रहे हैं ऑटो पकड़ने, अब यहाँ से पहले भैया का रूम जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे गांव के लिए, कल गांव हो सके तो कल निकलेंगे गांव के लिए, तो पहले दीदी के रूम पे पहुँचते हैं। भैया के रूम पे, ये रहा भैया का रूम, और ये आर्यभट्ट कॉलेज है पीछे मेरे, और मैं वहाँ से स्टेशन से आने के बाद यहाँ सो गया था, अभी जैसे खाऊँ, अभी 4:30 बज रहा होगा, अब फिर अभी कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। A few moments later. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पठान मूवी देखने के लिए, देखते हैं टिकट मिल पाता है कि नहीं पाता, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुक नहीं किया, वहाँ जाके देखते हैं टिकट मिलेगा तो जाके देखेंगे, इसीलिए निकल चुके हैं, शाम हो रही है, अभी जाते हैं देखने। हाँ फिर मंदिर स्टेशन के एकदम फ्रंट पे ही है, पठान का टिकट मिल चुका है 2, और हमारा अभी मजा आएगा ना भिड़ो, सो है जो 6:35 है, अभी बहुत टाइम है, आधा घंटा जैसे, तो अभी हम गांधी मैदान जा रहे हैं घूमने, हम गांधी मैदान पे, और यहाँ हमारे दीपू भाई यहाँ घूम रहे, क्योंकि आधा घंटा तो जैसे भी टाइम पास करना है, क्योंकि शो जो है थोड़ी देर बाद ही है, आधा घंटे बाद, तब तक यहाँ टाइम पास करना है। और अभी वहाँ गए थे पीछे, वो जो है उसमें मेला लगा है, तो उसके अंदर घुसे थे, वहाँ कपड़ा यही सब था, ऐसे घुस के बस निकल के आ गए, और एक आदमी जो है वहाँ पेंटिंग बना रहा था दूसरा का एकदम बढ़िया से, अभी यहाँ से थोड़ा टाइम पास करके निकलेंगे फिर। A few moments later. कल मूवी देखकर बहुत ही अच्छा लगा, पठान मूवी में मस्त था, जिसमें सलमान खान और जॉन इब्राहिम और शाहरुख खान था, ये सबसे पार्ट में सब तब मज़ा लगा जब ये शाहरुख खान ये सलमान खान आते हैं ट्रेन में, वो पार्ट एकदम मस्त था, और फिल्म देखकर बहुत ही अच्छा।
अच्छा लगा था। रात में हम आए थे 9:30 या 10 बजे करीब घर आए थे, तो थका हुआ जैसे भी ट्रेन का जर्नी से थका हुआ था, तो आके सो गए। उसका ब्लॉग तो शूट किया नहीं, अभी सुबह उठते ही अभी फ्रेश व्रेश होकर अभी ब्लॉग फिर से शूट कर रहा हूँ। उसका ध्यान से अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे नाश्ता वास्ता करके गाँव घूमने। रूम से जस्ट अभी आया हूँ बस पकड़ने के लिए, यहाँ से बस का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक मिल पाता है बस। पहले मैं अपने गांव आ चुका हूँ और यहाँ से अब दिलीप भैया को मैंने अभी कॉल किया था, अब दिलीप भैया आ रहे हैं, जस्ट आ रहे हैं बाइक लेकर, और तब तक मैं पैदल कुछ दूर चल लेता हूँ। तब तक आ रहे हैं भैया, तो भैया से मिलाते हैं आप सभी को। यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ का 1-2 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से गाड़ी नहीं मिलता, इस वजह से बाइक या फिर कार जिसका वो आते हैं लेने के लिए, तो भैया को फ़ोन किया इसलिए कि आ जाइए आप, तो आ रहे हैं भैया। मैं फाइनली अपने घर पहुँच चुका हूँ और ये जो मेरा जो घर बना था ये वो है, और इसका भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो भूलिएगा कमेंट में, तो मैं अच्छी तरह से आपको रूम दिखा दूँगा घर का यहाँ का। और अभी तो जस्ट आया ही हूँ, इधर उधर का दोस्तों को फ़ोन करूँगा क्योंकि बहुत कोई को मालूम नहीं है कि मैं आया हुआ हूँ, क्योंकि ये अचानक से आया हूँ यहाँ। और बाइक को भी देखने जाएंगे बाद में शाम को, वो वैसे भी बहुत ही से स्टार्ट नहीं हुआ तो जाके स्टार्ट करना है। और पटना में इसलिए गया था क्योंकि जो जिस यहाँ पर मेरा बाइक रखा हुआ है वो घर का चाबी जो है उनके पास था, तो चाबी जो मैं वहाँ से पटना इसलिए वहाँ से बड़ी मम्मी के घर गया था वहाँ से चाबी लेने, और चाबी लेकर आया हूँ और शाम को जाऊँगा वहाँ दर्जा खोल कर उसका बाइक को स्टार्ट करूँगा, और देखते हैं फर्स्ट सर्व में स्टार्ट होता है कि नहीं, तो शाम को सीधा मिलते हैं आपसे। बाय बाय। ये रहा अपना पीछे शैडो, और इसको अभी ओवर से निकालते हैं, उसका स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं एक बार में स्टार्ट होता है कि नहीं। और अभी जो कैमरा जो है मेरा चाचा का बेटा पकड़ रही है अंकित, और इसको फोन पकड़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं बाइक को। एक दो तीन ये बिस्तर बाबा ले। बैटरी बढ़िया का है, फाइनली स्टार्ट। पहला स्टार्ट हुआ तो सेल्फ से स्टार्ट नहीं हुआ, ट्राई करने के बाद स्टार्ट हुआ। बैटरी डाउन हो गया था काफ़ी दिन से रखा हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर ही इसको स्टार्ट करके करके गया था मैं, और अभी एक साल नहीं, लास्ट ईयर 4 महीना और 4-5 महीना बाद मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। उसका अगर गर्म होने देते इंजन को और बैटरी थोड़ा चार्ज हो जाएगा तो आराम से स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, पटना से आते गांव में मुझे एक न्यूज़ मिल गया, वह एकदम खतरनाक वाला, कि यहाँ 3 दिन से डाटा नहीं चल रहा है, क्योंकि छपरा में कुछ मसला है उसी वजह से यहाँ डाटा जो है सबका ऑफ करके रखा हुआ है, और पता नहीं कब तक ऑन होगा और कब तक ये वीडियो अपलोड होगा, और देखते हैं। जैसे कि आज हो रहा है शायद 8 तारीख है आज, और देखिए कब तक रहता है, कब तक अपलोड होगा ये।